हनुमान के लिए ये खतरे नहीं, खिलौने हैं, खिलौने। देखो तो उसकी बदली चाल ढाल और बाल। जो भी पिद्दी राक्षस उससे टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। पहले देवी सीता तो मिले। एक तो सागर इतना लंबा, ऊपर से मेरे घुटने में दर्द। क्या? लेकिन आज लगता है दुनिया मेरी मुट्ठी में है। ये टूटे इंदिरा के महल के खिड़की। तो दोस्तों, हनुमान जी अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जामवन जी उनकी शक्ति याद दिलाते हैं। जब हनुमान जी अपना रुद्र रूप धारण कर लेते हैं तो चारों तरफ पृथ्वी हिल से जाती है, ताकि कोई भूकंप आ गया हो। सब देखते हैं यह क्या हो रहा है, लेकिन जामवन जी को पता है कि हनुमान जी ये सब कर सकते हैं। उधर चारों तरफ ताकि एक भूकंप सा आ गया ऐसा लगने लगता है। तभी हनुमान जी लंका की तरफ पढ़ने की तैयारी करते हैं। श्री राम जी बोलते हैं, या सिर्फ मेरे हनुमान ही कर सकते हैं, मुझे उन पर पूरा भरोसा है और वह मेरा हमेशा साथ देंगे, क्योंकि सत्य की जीत ही सत्य होता है। आज उसे भी वही दिखा है, सत्य जिसकी खोज में कुछ के जीवन बीत जाते हैं और जिसे पाकर कई अपना संतुलन खो देते हैं। ऐसे भी तभी लक्ष्मण जी बोलते हैं कि भैया तुम्हें हनुमान को लेकर कोई आशंका तो नहीं है? राम जी बोलते हैं, नहीं, हनुमान को लेकर मेरे मन में कोई आशंका नहीं है, बल्कि मुझे उस पर बहुत भरोसा है, वह यह काम कर सकता है। और जामवन जी हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाते हैं और हनुमान जी श्रीलंका जाने की उड़ान भरने की तैयारी करते हैं। जामवन जी बोलते हैं, सो योजने हनुमान लगभग, क्या तुम ये सब कर पाओगे? हनुमान जी बोलते हैं, हाँ मैं कर पाऊँगा, बस अपना कद बड़ा करना है और फिर लंका में। चारों तरफ जय श्री राम के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। उधर सब हनुमान का रुद्र रूप देखकर सब हैरान रह जाते हैं कि हनुमान जी इतने विशाल और इतने कायम हैं। तभी इंद्रजीत बोलता है, आने दो, देख लेंगे हम। इंद्रजीत का अगला शिकार। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, ये पार्ट आपको कैसा लगा, और कमेंट में दोस्तों जय श्री राम जरूर लिखना। जय श्री राम।